नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। फरवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार समेत करीब 20 वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। ये बैठक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर राज्य में बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और इसकी राज्य इकाई इस मुद्दे पर सावधानी से कदम बढ़ा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि बैठक इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक में राहुल गांधी ने लगभग 40 साल के एक व्यक्ति का परिचय कराया जो सादी सी शर्ट और चश्मा पहने हुए था। उन्हें सुनील कानूगोलू के रूप में पेश किया गया। उन्हें कहा गया कि वे चुनाव की रणनीति का नेतृत्व करेंगे और उनका सहयोग करना है। कई वरिष्ठ नेता आश्चर्यचकित रह गए। पार्टी में शामिल होने के बाद उनका पहला काम 2022 के उत्तरार्ध में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी करना था। उन्होंने कहा कि ये उनका विचार था कि राहुल गांधी को यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ना चाहिए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये सुझाव भी दिया, इस यात्रा से कांग्रेस को जनता से दोबारा जुड़ने में मदद मिलेगी। यात्रा के साथ साथ कानूगोलू को अपने गृह राज्य कर्नाटक में जीत हासिल करने और पड़ोसी राज्य तेलंगाना में पार्टी को पुनर्जीवित करने का सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा गया। वो इस साल दिसंबर में होने वाले 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए पार्टी की अभियान रणनीति का हिस्सा भी है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत के कई नायक हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा नाम भी है जिनकी चर्चा बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हो रही है और वो है चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू का, जिन्होंने पार्टी की रणनीति बिसात को कर्नाटक में मजबूती से बिछाया। सुनील कानूगोलू को प्रशांत किशोर का करीबी माना जाता था। दोनों ने मिलकर 2014 में बीजेपी के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। सुनील कानूगोलू बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। वे खुद अपनी गाड़ी से राज्यों के दौरे पर चले जाते हैं, ना किसी कार्यकर्ता की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ना ही उनके रहने और ठहरने में उनकी मदद लेते हैं। कई बार तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये भी जानकारी नहीं होती कि वो उनके राज्य आकर दौरे कर रहे हैं और अंदरूनी जानकारी लेकर चले जाते हैं। वो मूलतः कर्नाटक के बेल्लारी के रहने वाले हैं। उन्हें काफी वर्कहोलिक माना जाता है। कर्नाटक चुनाव के 5 महीने पहले दिसंबर 2022 में उन्हें सफेद कुर्ता पैजामा में हैदराबाद में एक सरकारी कार्यालय से मास्क पहनकर निकलते देखा गया था। उसके बाद उनकी पहली तस्वीर मीडिया के कैमरे में कैद हुई थी। सुनील कानूगोलू कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार हैं। 2016 में तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की यानी कि डीएमके के अभियान की रणनीति के पीछे उनकी कंपनी माइंड स्पेस एनालिस्टिक्स भी थी। बाद में उन्होंने 2019 में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर काम किया और उसी वर्ष उन्होंने डीएमके के लोकसभा अभियान का प्रबंधन किया। कर्नाटक में जन्मे सुनील कानूगोलू की परवरिश चेन्नई में हुई है। कर्नाटक के बेल्लारी से ताल्लुक रखने वाले 40 वर्षीय सुनील के पिता कन्नड़ भाषी और माँ तेलुगु भाषी है। चेन्नई से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद हायर स्टडी के लिए सुनील अमेरिका चले गए थे। उन्होंने फाइनेंस और MBA में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। करियर के तौर पर उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी मैकेंजी को ज्वाइन किया। 2009 में उन्होंने अमेरिका से लौटकर राजनीति के क्षेत्र में एक रणनीतिकार के रूप में कदम आगे बढ़ाए। बीजेपी के अलावा सुनील कानूगोलू डीएमके, AIA, TMK के साथ भी काम कर चुके हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।